हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एजे मेडिसिंस में। मैं हूं आपका दोस्त अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मोमी पी एच सी क्रीम के बारे में। मोमी पी एच सी क्रीम किस प्रॉब्लम में यूज़ की जाती है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा इस क्रीम को लगाने का सही समय और सही तरीका। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। मोमी पी एच सी क्रीम एक बहुत ही जाना माना नाम है। आप लोगों में से कई लोग इसे जानते होंगे या फिर कभी ना कभी इसका नाम जरूर सुना होगा। यह एक कॉम्बिनेशन क्रीम है जिसका उपयोग स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने पर किया जाता है, जैसे कि किसी के चेहरे पे पिंपल्स और पिंपल्स के निशान। इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स में भी इसे यूज़ किया जाता है, जो हम आगे जानेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पैकेजिंग, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मोमी पी एच सी क्रीम यह 15 ग्राम की पैकिंग में आता है और इस 15 ग्राम की पैकिंग का जो प्राइस है वो है 185, यानी कि 185 रुपये। दोस्तों, ये हर राज्य में अलग अलग रेट में मिलता है, कहीं ये बहुत सस्ता मिलता है तो कहीं महंगा मिलता है। दिल्ली में तो आपको ये 170 और 185 के बीच में ही मिलेगा। कंपनी इसे बनाती है ऑरिसन फार्मा और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनियोन एंड मोमेटिसोन। इन तीन दवाओं को मिलाकर इसे तैयार किया गया है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आप इसे किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत लोगों के चेहरे पे झाइयाँ होती हैं, तो जिन लोगों के चेहरे पे झाइयाँ हैं उनकी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। या फिर किसी के आंखों के नीचे काले घेरे हों बहुत ज़्यादा, काफ़ी समय से वो परेशान हो, तो ऐसी कंडीशन में भी इसे यूज़ किया जाता है। या फिर किसी को बहुत ज़्यादा चेहरे पर पिम्पल्स और पिम्पल्स के निशान हो गए हैं, जो कि निशान मिटते नहीं है और पिम्पल्स और होते जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसे दिया जाए तो ये पूरी तरीके से उसे ठीक करता है। या फिर किसी के चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं तो उसे ठीक करने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। जो लोग गोरा होना चाहते हैं, स्किन लाइटनिंग और ग्लो करना चाहते हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स में इसे यूज़ किया जाता है और इसी में इसके बेनिफिट्स भी देखे जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो क्रीम है क्या ये लगाना सही होता है चेहरे पर, क्या स्किन को गोरा करने के लिए बेहतर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी दवा हो वो हमेशा आपको गोरा नहीं रखेगी। जब तक आप लगाओगे तभी तक आप गोरे रहोगे, उसके बाद छोड़ देने के बाद फिर अपनी उसी जगह पे आ जाओगे। लेकिन जिन लोगों के चेहरे पे निशान है किसी प्रकार के, दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं या फिर आँखों के नीचे काले घेरे हैं, उनको ये प्रॉपरली तरीके से ठीक कर देता है। अब जानते हैं इसे यूज़ करने का सही तरीका। बहुत लोग ये जानना चाहते हैं इसे यूज़ करने का सही तरीका और सही समय क्या है। तो इस क्रीम को कभी भी दिन में आपको यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आपको रात को सोने से पहले सही से अपने चेहरे को पानी से वॉश करना है। वॉश करने के बाद चेहरे को सुखाना है, सुखाने के बाद इसे मटर के दाने जितना लेना है और अपने चेहरे पे अप्लाई करना है, हल्के हाथों से, रगड़ना नहीं है। और एक बात का ध्यान रखें, ये आँख और मुंह के अंदर ना जाए, अगर चला जाए तो तुरंत अपनी आँख और मुँह को वॉश कर लें। इस तरीके से इसे लगाना होता है, फिर आप सुबह उठकर अपने फेस को वॉश कर सकते हो। अब इसके क्या साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप इस क्रीम को लगाते हो और लगाने के बाद आपके चेहरे पे खुजली या जलन होने लगे तो समझ लीजिए आपको ये सूट नहीं हो रहा, या फिर आपका चेहरा लाल पड़ने लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा, या फिर आपका स्किन जो है पिलिंग होने लगे, खाल उतरने लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। और जब ये दवा सूट ना हो तो फ़ौरन इस दवा को रोक दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें, और कोई भी दवा यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, गुड बाय।